नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल प्रेडिक्शन बजट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ बिग बैस लीग 2021 के तेरहवें मैच की प्रेडिक्शन के बारे में, जो एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर के बीच में भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:45 पर 25 जनवरी 2021 को एडिलेड स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपेरिजन करेंगे। साथ में दोस्तों, मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन और इस मैच से रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेना चाहते हो तो यस के टिप्स से कांटेक्ट कर सकते हो। इनका काम काफी बेटर है, ये आपको ठोस मैच और सेशन के एक्यूरेट प्रेडिक्शन देंगे। मैंने इनके व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पर दे रखे हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के बारे में। ये अपना पिछला मैच सिडनी थंडर से 6 रन से जीत कर आ रही है और इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है। एलेक्स कैरी, जैक वेदरोल्ड, फिलिप सोल्ट, ट्रिप्स हेड, मैट रेंसर, रियान गिब्सन इनके बैट्समैन है। माइकल नेसन, डेनी ब्रिंग्स इनके ऑलराउंडर प्लेयर है। वे सागर, लियम ओ, पीटर सिडल इनके गेंदबाज है, जो दोस्तों काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इस सीजन में इस टीम ने 13 मैच खेले, जिनमें से 7 मैचों में जीत दर्ज किया, 6 मैचों में इनको हार मिली है। पॉइंट टेबल में टॉप 3 पर इनका स्थान आता है। तो बात करते हैं सिडनी थंडर के बारे में। ये अपना पिछला मैच 6 रन से हार कर आ रही है एडिलेड स्ट्राइकर्स से और इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है। उस्मान ख्वाजा, एलेक्स एल्स, कैलम फोर्गेसन, सैम बिलिंग्स, ओगिलवेर डेविस इनके बल्लेबाज है। बेन कटिंग, नाथन मैकएंडू इनके ऑलराउंडर प्लेयर है। एडम मिलने, ब्रेंड डॉगगेट, तनवीर सांगा इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफ़ी मजबूत स्थिति में है। लीग 2021 में अभी तक इन्होंने 13 मैच खेले, जिनमें से 7 मैचों में जीत दर्ज किए, 6 मैचों में इनको हार मिली है। पॉइंट टेबल में टॉप 4 पर इनका स्थान आता है। इन दोनों टीमों के बीच में एक मैच पहले हो चुका है, जिसको एडिलेड स्ट्राइकर्स ने सिडनी थंडर को 6 रन से हराया था। दोस्तों, वह मैच इसी स्टेडियम में खेला गया था। दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच में अभी तक टोटल ओवरऑल 13 मैच खेले गए, जिनमें से एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 7 मैचों में जीत दर्ज किया, सिडनी थंडर ने 6 मैचों में जीत दर्ज किया है। एडिलेड स्ट्राइकर्स का 178 रन का हाईएस्ट स्कोर है और सिडनी थंडर का 168 रन का हाईएस्ट स्कोर है। एडिलेड स्ट्राइकर्स का 97 रन का लोवेस्ट स्कोर है और सिडनी थंडर का 18 रन का लोवेस्ट स्कोर है। यह मैच एडिलेड स्टेडियम में होने वाला है। यहाँ पर स्पिनर गेंदबाजों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पिच तेज होने की वजह से और फास्ट बॉलरों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर बल्लेबाजों को भी प्रॉब्लम आती है और दोस्तों यहाँ पर मीडियम साइज का ग्राउंड है, तो स्कोर भी ज़्यादा नहीं जाता है, मीडियम साइज का यहाँ पर स्कोर रहता है। तो यहाँ पर जो भी टीम ठोस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 52 मैच खेले गए, जिनमें से 32 मैचों को तो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, 21 मैचों को बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। यहाँ का एवरेज स्कोर 167 रन है, हाईएस्ट स्कोर 232 रन है, लोवेस्ट स्कोर 87 रन है। दोस्तों, यहाँ का स्कोर पैटर्न है 150 के नीचे 12 बार, 150 से 169 के बीच में 14 बार, 169 से 189 के बीच में 20 बार और 190 प्लस यहाँ पर 4 बार स्कोर गया है। बात करते हैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। सिडनी थंडर भी इस मैच को जीत सकती है तो एडिलेड स्ट्राइकर्स भी इस मैच को जीत सकती है, लेकिन दोस्तों मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के अनुसार यह मैच सिडनी थंडर जीत सकती है। दोस्तों, आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों, आपको पता है क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ड्रीम 11 टीम लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं क्रिकेट से रिलेटेड हर कोई खबर सबसे पहले देता हूँ। साथ में दोस्तों, मैं कभी मेरी प्रेडिक्शन चेंज करनी होती है तो मैं वहाँ पर ही बताता हूँ। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।